था यार, मतलब अभी तक वन ऑफ द बेस्ट सेल्स डील जो मैं अभी गया हूँ अगर अपनी लाइफ में बोलो सर का, तो मतलब अलग ही गवर्नमेंट और ट्रेनर भी अच्छे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने रियलाइज की, ये जो है ना ये धीरे मुझे निकल गया है यार, इसका कुछ मेरे को समाधान करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइज, आज हम अपनी व्लॉग की शुरुआत करेंगे एडिटर साहब से वीडियो कॉल पर बात करते हुए। तो भाई उनकी ज़िंदगी जैसी काली है, ब्लैक आउट है, वैसे ही उन्होंने अपनी स्क्रीन भी ब्लैक आउट कर रखी है। मैं तो फ्लैश भी ऑन कर लिया था, यहाँ से देख सकते हो फ्लैश लाइट ऑन की हुई है ना, कि थोड़ी इसकी ज़िंदगी में ना थोड़ा उजाला आ जाए। लेकिन भाई साहब को नहीं, अपनी अंधेरा कायम रखना है अपनी ज़िंदगी में। एनी वेज गाइज, अभी टाइम क्या हो रहा है, एक सेकेंड टाइम, भाई ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं। अभी मेरे को थोड़ा ऐसे करना हो प्राइवेसी रीजन ना, व्हाट्सएप की चैट शैट की तो कुछ दिक्कत हो सकती है, कंट्रोवर्सी हो सकती है। सो गुड मॉर्निंग गाइस वापस से, एंड अभी 12 बज रहे हैं और अभी यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। कल भाई रात को लिटरली झूठने वालों 6 बजे तक, लिटरली 6 बजे तक, और आज ये लाइव देख रहे हैं हमें कैसे हम व्लॉग करते हैं। तो भाई 6 बजे, सुबह के 6 बजे तक, रात के घर सुबह के 6 बजे तक मैंने एडिटिंग की। और मेरे को पता है कैसे, कि जैसे हमारे एडिटर साहब पहले एडिट करते थे वैसे अब हम एडिट कर रहे हैं वीडियोस, और 2 बार रेंडर की, क्योंकि एक क्लिप थी, वीडियो क्लिप थी जो मेरे को बाद में मिली 6 बजे, दही आजी मतलब हमारे गैंग ऑफ सार के कोई मेम्बर है, उन्होंने हमें भेजी पूरी वो क्लिप लैंडस्केप में। तो मैंने कहा नहीं यार, आपको ढंग से आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, पोर्ट्रेट में थी वो, पोर्ट्रेट में भी डाली है वो जो ऑफ रोडिंग वाली व्लॉग देख रहे होगे अभी आप, और लैंडस्केप दोनों में डाली, तो वो दोनों देख लेना। बहुत थकान होगी भाई कल, मतलब यार दिमाग खराब हो गया था एडिट करते 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 करते। और अभी यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अपना, इसको रख देता हूँ नीचे, थोड़ा गिर गिर जाएगा। और आज का प्लान तो ऐसा पता नहीं है, रील्स है मेरी 2-4 जो प्लान की हुई है वो बना रहे हैं। पहले तो जो भी करेंट रील्स हैं वो हम एडिट करने जाएंगे एडिटर साहब के घर, क्योंकि थोड़े उसमें कुछ चेंजेस करने हैं जो एडिटर साहब ही कर सकते हैं। और फिर एक कोई बंदा है जिससे बात हो रखी है रील के बारे में, अभी कंफर्मेशन लूँगा इससे कि वर्थ इट है, मतलब पैसे दे के रील बनवाना या नहीं, तो अभी देखते हैं। और वैसे तो आज कुछ ऐसा प्लान डे है नहीं मेरा, अभी दिखाते रहूँगा आगे जाके कि भाई क्या क्या सीन। एडिटर साहब की शक्ल देख सकते हो भाई, फाइनली रिवील्ड। तो भाई 2 बज चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को लेने स्कूल, जो भी मेरा पुराना स्कूल था, वो भी आपको दिखाऊंगा। भाई मेरे को नींद आ रही थी, जैसे ही पता है सोया ही नहीं था, मैं उठा दिया, बोला कुछ कभी कर तो रहा नहीं है, चले जा। मैंने ठीक है यार, अब क्या ही कर सकते हैं। और मैंने बोला चुपचाप जा, माही की मतलब मेरी बहन की पूरी ड्यूटी दे दी सुबह, मतलब अभी जैसे तो फेयर हो रहा है, अभी स्कूल से लूंगा, फिर उसकी 2-3 क्लास है 7:30 तक, मतलब उसके साथ मेरे को दे दिया, मतलब उसको पिकअप ड्रॉप सर्विस वाला सी। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हमारे स्कूल। वैसे तो मैं आपको क्या ही रिएक्शन दूँ, ऐसे फेक रिएक्शन तो दे नहीं सकता मैं। जब एक बार कुछ फेस्ट वेस्ट हुआ था, आया था, पूरा चेंज कर दिया इन्होंने स्कूल, ग्राउंड राउंड थोड़ा रेनोवेट वेनोवेट कर दिया, और यहाँ पूरा मतलब भाई जब तक हम लोग थे ना, हमारा बैच था, जो भाई मेरे बैच से देख रहा होगा उनको पता ही होगा स्कूल कैसा था उस टाइम तक। मतलब हम गाड़ी, सिर्फ हमारी गाड़ी होती थी भाई, सिर्फ हमारी, कुछ हमारे जो बैच की गाड़ी जो अंदर तक आई है अभी तक, उसके बाद भाई कोई है। अरे एक सेकंड, हाँ भाई क्या कह रहा था मैं, ये जो है ना अभी बीच में रुक गया, क्योंकि जो ये गाड़ी थी ना, ये वाली कहाँ गई, कहीं तो लगाई उसने, पता नहीं शायद पीछे जाके लगा ली। ये रीजन स्टील हो गई भाई, अड़ा दी इसने यार, पता नहीं क्या कर रहा था मैं, 1 मिनट के लिए पॉज हो गया। तो एनीवेज भाई, अब भाई स्कूल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया पहले के मुकाबले। जैसे यहाँ पूरी पहले ही बस खड़ी होती थी, लेकिन हमारी पहले गाड़ी जाती थी उसके बाद ये बस होती थी, लेकिन अब पूरा
सिस्टम चेंज हो गया है। बहुत खुश भी हुए थे ये लोग कि हमारा बैच चले गया था और यहाँ से हमारी एंट्री होती थी। अभी बताऊँगा, ये न्यू बिल्डिंग है जहाँ हमें कभी जाने का मौका मिला नहीं, क्योंकि हर स्कूल का होता है जैसे पता ही आपको कि यहाँ भी करेंगे मतलब प्रोसेस में चल रहा है, अगले साल शिफ्ट हो गया भाई। अगले साल होते होते हम ही शिफ्ट हो गए, हमारा क्या बोलते हैं स्कूल ही ख़त्म हो गया। और ये देख सकते हो यहाँ पे भाई हमें गाड़ी ड्रॉप करने आती थी, अभी तो मैं जैसे बोला रूल्स चेंज हो गए, नहीं तो मैं यहाँ तक आता लेने के लिए गाड़ी, मतलब गाड़ी क्या अपनी बहन को या फिर मेरे को लेने के लिए यहाँ तक आती गाड़ी अगर मैं होता अभी स्कूल में इस टाइम पे। यही था भाई, अभी पूरा देखो पूरा फुल चेंज कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ तो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंदर यहाँ पे बैठते थे भाई सारे, पूरा अलग ही कर दिया यार। और ये बच्चों का कर दिया पूरा इन लोगों ने खेलने का, नहीं तो यही हमारी बिल्डिंग होती थी शायद से, थर्ड फ्लोर में था हमारा, हाँ थर्ड फ्लोर भाई। अलग ही दिन थे यार। और भैया क्या हाल है? यार माही कहाँ है? मेरे को लगा था कि मैं लेट हो गया भाई लेने, मतलब माही को 10 मिनट पहले ही आ गया इस बार। और ये अलग यादें आ रही है, मतलब स्कूल की ऐसे तो इतनी कोई खास थी नहीं, मज़े तो बहुत किए थे, फुल मौज की हमने स्कूल में जितनी मस्ती की थी हमें ही पता है भाई कितनी मस्ती की थी यहाँ पे हैं। और इन भैया को भी पता है क्या क्या करते थे हम स्कूल में। तो भाई एक चीज़ अभी नोटिस की मैंने, ये मेरे को किसी ने डंक मार लिया। और ये क्या है, क्या है? गुड़ और अदरक, वो हल्दी, गुड़ और हल्दी भाई, ये मम्मी ने बोला था। अरे हटा हटा हटा, ये इससे चल जाएगा ये है? इसको बांध के रखा, थोड़ी देर गर्म होगा तब ना। अरे अरे आराम से, इसको ऐसे ही रखूं क्या? बांध देता हूँ ना कोई कपड़ा। भाई बहुत ज्यादा ही गर्म है, ऐसा लग रहा है कुछ क्या भाई, ये वो नहीं होता कुछ गर्म सी चीज लगा दियो ऐसा। वैसे तो गुड़ और हल्दी को मिला के पता नहीं कुछ किया, वैसे एक और चीज से कर सकते थे चाबी से, लेकिन उन्होंने बोला ये ज्यादा बेटर रहेगा। इतना बड़ा कपड़ा, हाँ 10-15 मिनट बाद हटा लीजिएगा। बहुत दर्द कर रहा था यार, देखो पूरा लाल 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 हो गया पूरा, यहाँ से पूरा सिस्टम देखो, पूरी नस की लाइनें भी दिख रही होंगी आपको पूरा ऐसे। यार तो ये खुद चले जाएगा इसके 10 मिनट बाद है, सीख हो जाएगी ना। अच्छा तो गाइस 6 बज चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ कुछ काम से, पहले तो मतलब एक एटीएम में कुछ काम है, कैश निकालना है थोड़ा, और फिर आपका डॉलर के बिस्किट लाने हैं, और फिर माही को लाना है। जैसे कि मैंने बोला था भाई आज ड्यूटी दे रखी है मेरे को कि यार मेरे को ही सब माही को पिकअप ड्रॉप सब कुछ करना है, सुबह से वही करते आ रहा हूँ। अब ये लास्ट पिकअप है, हाँ ड्रॉप तो कर लिया था, लास्ट ड्रॉप है। और अभी ये सोसाइटी वाले एटीएम में जाके, ये जो यहाँ पे ये 2 कार्ड दिए भाई पापा ने, तो ये दोनों में थोड़े थोड़े पैसे जितना अमाउंट बोला है। तो भाई ये वाला एटीएम तो चल नहीं रहा, मतलब कुछ ग्लिच आ रहा है इसके अंदर, और वही बीगल। और अभी फिर दूसरा वाला एटीएम में जाएंगे अभी, जो आपका पीछे हमारे डॉलर का मेरा वो मिलता है सामान वेट है सीपी वेट, वहीं पर भी एक एटीएम है, तो वहीं पर ये भी जाएंगे। और उसके बाद भाई जिम भी जाना है आज, जो फाइनली स्टार्ट कर रहा हूँ, जो इतने दिन से मैं बोले जा रहा था सबको कि भाई स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जिम भाई आज फाइनली जाऊंगा। कुछ भी हो जाए आज तो 1% का वो ही नहीं है, कोई छूट ही नहीं है, जाना है मतलब जाना है। कितना टाइम भाई ऐसे ही टालते रहूंगा यार, आज जाके रहूंगा भाई, पहले माही को लेके आके सब, मतलब 10:30 तक खुला रहता है ये जिम जो मैं ज्वाइन किया है मैंने, मतलब आज करूंगा जो ज्वाइन आज, मोस्टली तो भाई ट्रायल लेने की सोच रहा हूँ मैं, और बाकी देखो कि क्या सीन हो रहा है, करना तो है, देखूं तो सही पहले भाई क्राउड, चलो क्राउड तो सेकेंडरी है, लेकिन फिर वही है कि कैसा है एनवायरनमेंट, कैसा है लाइट, आपको दिख रही होगी तो हाँ, तो वही सीन है, अभी चलते हैं।
तो भाई कैश तो निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने रियलाइज की, ये जो है ना ये देखो ये निकल गया यार। इसका कुछ मेरे को समाधान करना पड़ेगा। मेरे को कल लग रहा था कि हल्का सा लूज है, लेकिन मेरे को अभी वो हो रहा है कि ना ये पूरा सिस्टम इसका देख लो पूरा, ये बहुत डेंजर है भाई। ये पता नहीं कैसे निकल गया यार, इसको लॉक, इसको कैसे लॉक होगा यही समझ में नहीं आ रहा यार। क्या देखो कैसे हिल रहा है ये, यहाँ तक जा रहा है। ये ऐसे कर लूंगा, उसके मैं पीछे कैसे करूंगा, नीचे पूरा इसको ऐसे करना नहीं हो रहा यार। ये क्या सीन है पता नहीं। अभी यहाँ आ गया हूँ भाई माही को लेने, जल्दी पहुंच गया मैं। वैसे तो ट्रैफिक मिलता है, इस बार आज कोई ट्रैफिक नहीं है, 10-1 मिनट में पहुंच गया मैं यहाँ पे। और यहाँ पे वापस आपको नहीं, यहाँ तो क्या ये लाइट टेस्ट करूंगा, ये तो पहले से है यहाँ लाइट, वैसे हो जाएगी यहाँ से। देखो कितनी तेज है, मतलब बेस्ट यार। मतलब गाड़ी में आपकी लाइट बढ़िया होनी चाहिए, दूसरों तंग करने के लिए नहीं, लेकिन खुद के लिए भी। अगर आप जा रहे हो कहीं, देखो जैसे यहाँ, ये यहाँ पे अंधेरा है, अरे हो गया भाई इसको तो पहले एग्जिट करता हूँ पहले यार इसको ना, कहाँ से करूँ इसे गूगल मैप। अरे क्या सिस्टम है ये रहा एग्जिट आ गया। अच्छा कैमरा ऑन है इसलिए नहीं होगा। अरे एक तो आदत हो रखी है ना भाई इसकी मेरे को, मतलब आदत नहीं है इसकी एप्पल एंड्रॉइड कारप्ले की। मेरे पे जो भी गाड़ी थी मेरी, बदकिस्मती ले लो कुछ ले लो, हर गाड़ी एप्पल एंड्रॉइड कारप्ले आए सेम मॉडल में, लेकिन अगले साल, उस साल नहीं आया। 2017 में ली, 17 क्रेटा जनवरी ली, जनवरी मार्च के बाद आया, पता नहीं क्या सीन हुआ। और ऑडी में भी यही हुआ, 16 में ली थी फेब में, और उसके बाद मार्च के बाद वो आया, मार्च के बाद पता नहीं क्या सीन किया इन लोगों ने। तो इसलिए भाई मेरे को इतना आदत नहीं है एप्पल एंड्रॉइड। भाई ये क्या आगे नहीं हो रहा है ये, हाँ हो गया भाई ऑलमोस्ट 8 बजने वाले। और ये पता नहीं क्या ऑटोमेटिक वाले सिस्टम इसका बंद करने वाला हूँ। तो भाई पहले से जिम के कपड़े पहन रखे थे मैंने, और मेरे को पानी की बॉटल तो नीचे थी, और ये स्वेट के लिए भाई नैपकिन ले लिया साथ, सारे सही हो गया गाड़ी। और अब जा रहे हैं जिम। आज ये हो रहा था कि भाई यार मन नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, पापा कह रहे बिरयानी बनी खा ले, मैंने कहा बिरयानी जिंदगी भर तक खाते रहूंगा, एक बार शरीर वापस से फिट कर लूं जैसे पहले था। अभी यार वैसे अच्छा ही लगता है मेरे खुद भी यार, अब तो सोच लिया करना है तो करना ही है 101%। इस बार कोई बैक ऑफ करने की वो ही नहीं है। और अभी ना मेरी पूरी पीठ दर्द कर रही है, आपको गाड़ी में चल के बताता हूँ क्यों। आ गए हम यार, कुछ भी कह लो यार, मतलब कितनी बार देख लूं नजर ना लगे प्यारी लगती है यार। एक जिसने निकाला है ना भाई, ये अभी भी भूला नहीं हूँ, यहाँ पे इंस्टा था अभी भी याद है, देखो इतना ही। जिसने भी निकाला है ना यार, सही में बहुत गलत किया, बहुत हद से ज़्यादा गलत किया। हर कोई भाई गाड़ी को मुड़ के देख के जाता है। तो भाई पीछे ये ऑफ रोडिंग की थी संडे उठी यार, उसमें बार बार मैं बेल्ट पहन रहा था, बेल्ट कर रहा था, क्योंकि यार मैं भूल जा रहा था बार बार कि बार बार बेल्ट मैंने निकल भी रहा था वीडियो बनाने के लिए। एक सेकेंड यार, एक तो चाबी इसकी, हाँ वीडियो बनाने के लिए बाहर निकल रहा हूँ उतर रहा, तो बार बार यार ध्यान नहीं रहा कि बेल्ट मेरे को पहनना है, तो बार बार वैसे कर करके तो मेरी भाई पूरी अकड़ चुकी है। और जैसे कुदाई है ना भाई गाड़ी वहाँ पे, और ऑफ रोडिंग करते करते पूरा भाई पीठ मेरी बहुत दुख रही। नहीं तो ये जब होता था जब मेरा वो नहीं जिम, जब बहुत टाइम बाद जिम कर लिया तो उस टाइम पे मेरे को ये सीन होता था, लेकिन अब ऑफ रोडिंग के चक्कर में हो गया, क्योंकि डेली आजकल चल रहा है डेली, मतलब मैं इतना 2 हफ्ते में लगातार कभी ऐसे गया नहीं, 2-3 हफ्ते में आ गया, 3 बार लगातार जा चुका। हाँ तीसरा OTR था इस महीने का, हाँ तो इसीलिए भाई इस महीने पिछले 20 दिन में 3। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ जिम, अभी बात है। तो भाई फाइनली जिम ओवर हो गया है, और अभी मैं ऑफिस आ रखा था पापा के, कुछ उनका बैग छूट गए थे, तो बोला कि यार बैग में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो ले आ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाई जिम का एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं जितना ले पाया वीडियो, जैसे उसके अंदर आपका देख लिया होगा आपने। अरे यार एक तो ये ना इसका ना ये, हाँ
तो जितना मैं ले पाया वीडियो लिया, बहुत बढ़िया जिम था यार, मतलब अभी तक वन ऑफ द बेस्ट जिम जो मैं अभी गया हूँ अब अपनी लाइफ में बोलूँ सच बताऊँ तो। मतलब अलग ही इक्विपमेंट और ट्रेनर भी अच्छे थे, एकदम प्रॉपरली करवाए। ठीक है फर्स्ट डे सभी करवाते हैं, लेकिन अब आगे भी पता चलेगा कि कैसे करवाएंगे वो। लेकिन जिम एकदम क्लास जिम था यार, मतलब नो डाउट क्लास एकदम। क्राउड तो सेकेंडरी है, लेकिन क्राउड भी बहुत अच्छा था, एकदम सही लग रहा था। मैं मतलब ऐसे नहीं कहूँगा पुराने जिम का बेकार था, लेकिन कंपैरिजन में बोलूँगा तो बहुत बढ़िया था। और एक और चीज़ मैंने आज मेरे को बोलनी है एंड करने से पहले, भाई मैंने देखा एनालिटिक्स 85% जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो देख रहे हैं यार। तो भाई अगर आप देख रहे हो व्लॉग्स तो रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब भी कर दिया करो, बेल आइकन आपके नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट व्लॉग आ गया मेरा। मतलब डेली है, हफ्ते में मिनिमम 5 व्लॉग्स है, एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाता है कि कर रहा हूँ भी पूरी कोशिश। लेकिन भाई जिन्होंने नहीं किया क्या बोलते हैं चैनल सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और आने वाले व्लॉग्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ट्रैवल के ऊपर रहेंगे सारे मोस्टली। तो पहले से बोल रहा हूँ कि स्टे ट्यून, हर व्लॉग में बोलता हूँ। एंड इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो कर लो, Kaushal0016, लिंक नीचे ही। आप रील्स अब देख सकते हो, रील बहुत मतलब तगड़े तगड़े रील्स भी डालने वाला हूँ, यूट्यूब शॉर्ट भी डालते हूँ, लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम में अलग अलग डालता हूँ। तो भाई इंस्टाग्राम में भी आप ऐड कर सकते हो मेरे को। और भाई इसी के साथ यही व्लॉग खत्म करूंगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।